तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जीमेल आईडी में कई सारे नंबर होते हैं, उन नंबर को किस किस तरीके से रिमूव करते हैं गाइस। जी हाँ, अगर आपके जीमेल पे कई सारे नंबर ऐड होते हैं और आप उस जीमेल में ओनली एक नंबर ही ऐड करना चाहते हो, बाकी के सब नंबर को रिमूव करना चाहते हो, तो किस तरीके से कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि जीमेल में रिकवर नंबर को किस तरीके से रिमूव करते हैं गाइस। तो गाइस ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप लोगों को जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस आप लोगों को राइट हैंड साइड में देखने को प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने लाए ऐड अकाउंट, यहाँ पे देखने मिला गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। पर्सनल इन्फो पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग स्क्रॉल कर लेना है, नीचे साइड में स्क्रॉल कर लेना और देख सकते हो गाइस यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, देख सकते हो फोन नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे तीन ऐड है मेरे यहाँ पे जीमेल आईडी पे नंबर ऐड, हम एक ही नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, बाकी के दो नंबर को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखने मिल रहा है फोन पे, इस पर क्लिक कर लेना। फोन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है कुछ इंटरफेस, देख सकते हो गाइस यहाँ पे तीनों नंबर वेरीफाइड है ना, देख सकते हो गाइस यहाँ पे तीनों नंबर वेरीफाइड हैं, ये मेरे ही खुद के ही तीनों नंबर हैं। तो गाइस मैं एक यहाँ पे पर्सनली एक ही नंबर लगाना चाहता हूँ, बाय द वे कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, या फिर कोई रिकवर पे किसी का पासवर्ड किसी पे आ जाता है गाइस, और किसी का हम चेंज करते कोई ओटीपी दूसरे में चला जाता है, कभी चेंज करते पासवर्ड तो ये नंबर दूसरे ओटीपी में चला जाता है, तो पता नहीं चलता किस में ओटीपी गया किस में नहीं पता, तो प्रॉब्लम से हमें कुछ ना कुछ मिस्टेक मालूम पड़ती है। इसीलिए हम यहाँ पे नंबर को इसीलिए यहाँ पे नंबर को हम रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इस पहले नंबर को हमें रिमूव करना चाहते हैं, उस पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे देख मिला डिलीट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख मिला रिमूव नंबर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो मेरा नंबर रिमूव हो चुका है गाइस। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक ही नंबर यहाँ पे रह चुका है गाइस, देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे दो नंबर यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, और मेरा ये पर्सनल नंबर है खुद का, ये मेरा नंबर है, तो मैंने एक ही नंबर को जीमेल आईडी में अटैच करना चाहते हैं गाइस। देख सकते हो मेरा एक ही नंबर वेरीफाइड है। तो गाइस हम जब भी अपने जीमेल का पासवर्ड रीसेट करते हैं, ओटीपी की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे मेरे आसानी तरीके से यहाँ पे मेरी ओटीपी आ जाएगा इस नंबर पे ना गाइस। तो गाइस बड़े आसानी तरीके से अपने जीमेल में वेरीफाई नंबर को रिकवर कर सकते हो गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी अपने जीमेल में नंबर को रिमूव करने में कोई दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।